निर्णय लिया है कि जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के मकान थे जो नगरीय निकायों के तहत आते हैं, जो अपनी किस्त पटा चुके हैं 50 साल, कई 20 साल से, 25 साल से, लेकिन उनको उनका मालिकाना हक नहीं मिल रहा था, हमने 600 स्क्वायर फीट तक के मकानों की फ्री होल्ड की रजिस्ट्री के लिए कोई शुल्क नहीं रखा है। और उसके बाद जो 600 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का होगा उस पर 1.1% शुल्क लेकर सबको फ्री होल्ड कर रहे हैं हम। उनके नाम पे जमीन की जमीन या मकान है हाउसिंग के, उनको उनके नाम में कर देंगे, रजिस्ट्री कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा निर्णय है और इसमें प्रदेश के हमारे सारे नगरीय निकाय के नगर निगम, नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत के अंतर्गत जितने गृह निर्माण मंडल या RDA है आपका, जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के तहत जो मकान लिए थे, किस्तें पट चुकी है, उनको पूरा उनका मालिकाना हक देंगे और वो अब जैसा चाहे उस संपत्ति का उपयोग वो कर सकता है। अगर जिन्होंने लेकर के कब तक निर्णय आ जाएगा जो 50% आप लोगों ने कहा? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स जो है हमने कहा था कि 50% तक कम करेंगे, तो उस पर प्रक्रिया चालू हो गई। 1 तारीख को हमने माननीय हमारे सचिव जी और विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 50% प्रॉपर्टी टैक्स करने के लिए पूरी तैयारी कर लें, और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं और ये निर्णय भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और पूरी तरह से हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हैं, जनता ने जो जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया है, तो हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जन घोषणा पत्र में जितने वादे हमारी सरकार ने किए, हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है, उनको क्रमशः पूरा करने के लिए वो अपनी कार्य योजना तैयार करे और उस अनुरूप कार्य करे। और उस अनुरूप कार्रवाई हो रही है और धीरे धीरे सारे जो हमारे घोषणाएँ हैं, वादे हैं, वो पूरे किए जाएंगे। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए और जितने भी छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के लिए होगा सब काम करेंगे। और नहीं, डहरिया जी इसमें और क्लियर करेंगे, जैसे आपने कहा कि हाउसिंग बोर्ड पे तो जो है अगर जिन्होंने किस्त अदा नहीं की है उनके भी माफ़ होंगे, किस तरीके के? नहीं, किस्त तो देखिए, किस्त तो सबको अदा करना पड़ेगा। जब तक आप कोई संपत्ति है आपके पास बंधक है, तो जो बंधक संपत्ति है उसको फ्री होल्ड नहीं किया जा सकता, उसका बैंक का जो लोन बकाया है उसको तो उनको पूरा करना ही होगा। जो फ्री होल्डर का मतलब है जिसकी संपत्ति में कहीं कोई दायित्व तो नहीं है। तो ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं? ये संख्या बहुत ज़्यादा है, इसमें आप 166 हमारे नगरीय निकाय हैं, नगर निगम के 10 हैं, नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायत हैं, इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं लगभग संख्या 5 लाख से ज़्यादा की होगी।